मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी का अगला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, आपके टॉपिक टेस्ट में जो क्वेश्चन अपीयर हुए थे वो सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। ये आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें पता लगाना है कि रोटेशनल एक्सिस की पोजीशन क्या होगी। दो पार्टिकल्स हैं M1 M2 जिनके मासेस हैं। इसमें अगर देखा जाए तो पार्टिकल M2 M1 से हैवी है, मतलब ये ज़्यादा इससे भारी है। इन दोनों पार्टिकल्स को किसी रोटेशनल एक्सिस के अबाउट घुमाना है। शर्त क्या है? पार्टिकल्स को रोटेट करने में मिनिमम वर्क किया जाना चाहिए। तो बताइए कि रोटेशनल एक्सिस की पोजीशन क्या होगी। किसी भी पार्टिकल से इस एक्सिस की डिस्टेंस आपको पता लगानी है। तो पूरा क्वेश्चन एक बार हम पढ़ लेते हैं। टू पॉइंट मासेस M1 एंड M2 सच दैट M2 इज ग्रेटर देन M1 आर फिक्स्ड एट द एंड्स ऑफ ए रॉड ऑफ द लेंथ कैपिटल L। मास ऑफ द रॉड इज नेग्लिजिबल, वी कैन नेग्लेक्ट द मास ऑफ द रॉड। क्लियर? फाइंड द पोजिशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रॉड थ्रू विच एक्सिस शुड पास इन ऑर्डर टू रोटेट द रॉड फॉर विच वर्क डन इज मिनिमम। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि चलो इस रॉड पर जो मास फिक्स किया गया है M1, लाइटर मास से स्मॉल एक्स की डिस्टेंस पर ये रोटेशनल एक्सिस है। तो जाहिर सी बात है कि दूसरे वाले पार्टिकल से इस एक्सिस की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? L-x, क्योंकि रॉड की टोटल लेंथ क्या है? L है। अब जरा देखिए इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व करना है हमें, मगर कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे? रॉड को रोटेट करने में जो भी वर्क किया जाएगा वो वर्क इस रॉड के जो पार्टिकल्स हैं इनमें एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएगा। तो पहला काम तो हमें ये करना चाहिए, हम पता लगाएं इन पार्टिकल्स को रोटेट करने में जो वर्क किया जा रहा है और फिर उस वर्क को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। क्यों? क्योंकि हमें पता लगाना है मिनिमम वर्क के लिए पोजीशन क्या होगी। बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी वर्क डन इन रोटेटिंग द रॉड will be stored in form of the rotational kinetic energy. Rotational kinetic energy in the massive particles. यानी हम लोग अगर वर्क को निकालें तो वर्क कैसे निकाल सकते हैं? वर्क इक्वल्स टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इस रॉड को मान लीजिए हम किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड है। अब ये जो एंगुलर स्पीड ओमेगा होगी वो दोनों पार्टिकल्स के लिए सेम ही होगी क्योंकि दोनों पार्टिकल्स फिक्स्ड हैं। ये आई क्या है? दोनों पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है टोटल इस एक्सिस के अबाउट, जिसके अबाउट हम रोटेशन करा रहे हैं। तो क्या आप दोनों पार्टिकल्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट पार्टिकल M1 की डिस्टेंस कितनी है एक्सिस से? एक्स। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द मास स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज M1x2। इसी तरीके से दूसरे पार्टिकल का आप फाइंड कर लें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मास M2 इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस L-x2। ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का इनटू ओमेगा स्क्वायर। यही वर्क किया जाना चाहिए। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि वर्क मिनिमम किया जाना चाहिए। यहाँ लिखेंगे हम इसी बात को, फॉर मिनिमम वर्क डन, मिनिमम वर्क डन। वर्क है ये डिपेंड किस पे कर रहा है? पोजीशन एक्स पर। इसका मतलब जो वर्क और पोजीशन का ग्राफ मिलेगा, इस ग्राफ को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए जिसका टेंजेंट क्या होगा? जीरो हो जाएगा। दैट इज द dW/dx इक्वल्स जीरो। याद रखेंगे इस चीज को। आओ जरा इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करके इसको जीरो कर देते हैं तो क्या मिलेगा आपको? dDx ऑफ हाफ ऑफ द ओमेगा स्क्वायर M1x2 प्लस M2 L-x2 इक्वल्स जीरो। इन सभी को जीरो के आप इक्वल कर दें आप। ठीक है भाई, हमने इसको जीरो के इक्वल कर दिया। अब देखिए हाफ ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट नंबर है, इसको तो भेज दें आप उस तरफ, जीरो हो जाएगा।
डिफरेंशिएट करें एम एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या मिलने वाला है आपको? मिलने वाला है 2m1x प्लस। डिफरेंशिएट करें m2 टू इन टू एल माइनस एक्स स्क्वायर, क्या मिलेगा आपको? 2 टाइम्स ऑफ द m2 टू इन टू एल माइनस एक्स इन टू डी डी एक्स ऑफ एल माइनस एक्स, एल का जीरो हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स माइनस वन इक्वल्स जीरो। तो प्यारे बच्चों, दो से दो भी ये देखो चला गया दोनों तरफ से, हम कह सकते हैं एम वन एक्स इक्वल्स ये माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा, उसको उधर लेके चले जाइए आप लोग, क्या हो जाएगा ये एम टू इन टू एल माइनस एक्स। ये हम कह सकते हैं एम वन एक्स प्लस एम टू एक्स इक्वल्स एम टू इन टू कैपिटल एल, आर एक्स कॉमन कर लें, एम वन प्लस एम टू इक्वल्स एम टू कैपिटल एल। हमें x की पोजीशन क्या मिली है? हमें x की पोजीशन मिल गई है एम टू एल अपॉन एम वन प्लस एम टू। देख रहे हैं आपने लेंथ को मल्टीप्लाई किससे किया हुआ है? हैवी मास से। इसका मतलब लाइटर मास से रोटेशनल एक्सिस की डिस्टेंस ज़्यादा होगी, और होनी भी चाहिए, तभी तो रॉड हमारी स्ट्रेट रहेगी। ठीक है भाई, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको पॉइंट मासेस पता हो और आपको लेंथ मालूम हो, तो लाइटर मास से रोटेशनल एक्सिस की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? हैवियर मास m2 टू इन टू लेंथ टोटल लेंथ अपॉन सम ऑफ द मासेस। क्लियर हुआ? थैंक यू।